नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में ट्रैफिक पुलिस और नियम तोड़ने वालों के बीच झड़प की खबर लगातार सामने आती रही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, लेकिन मनचले किसी तरह चकमा देकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में वो नियमों का उल्लंघन तो करते ही है, साथ ही कई बार हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, जिससे वो खुद के लिए तो समस्या उत्पन्न करते ही हैं, राह चलते हर एक नागरिक के लिए वो परेशानी का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो मामला ठीक उलट हो ही जाता है। कई चौराहों पर ऐसे ट्रैफिक पुलिस भी मिल जाते हैं जो अपनी ही मनमानी पर उतर आते हैं, जिसकी शिकायत परिवहन विभाग को समय समय पर मिलती रही है। यही कारण है कि अब ट्रैफिक पुलिस की मनमानी हो या फिर मनचलों की शैतानी, परिवहन विभाग अब सब पर नकेल कसने वाली है। यही कारण है कि बिहार में अब हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए इस पूरी समस्या पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर परिवहन विभाग पटना के अलावा अन्य शहरों में भी ई चालान के जरिए फाइन की वसूली करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान में यह सुविधा पटना समेत कुछ अन्य इलाकों में मौजूद है, लेकिन अब इसे राज्य व्यापी करने के लिए यातायात पुलिस को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया जाएगा। 1500 से अधिक जवानों को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया जाना है, जिसके जरिए अब फाइन की वसूली की जाएगी। इस डिवाइस से ट्रैफिक पुलिस का काम तो आसान होगा ही, साथ ही इस बात का पता लगाना भी आसान होगा कि गाड़ी की चेकिंग के दौरान पिछली बार किन किन नियमों का उल्लंघन वाहन मालिक द्वारा किया गया है। इसके साथ ही कितने फाइन की वसूली की गई है, इसका भी पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद होगा। वर्तमान समय की बात करें तो राजधानी पटना को छोड़कर अन्य शहरों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ऑफलाइन जुर्माने की वसूली की जाती है। परिवहन विभाग के माध्यम से ही ट्रैफिक पुलिस को रसीद देने का काम किया जाता है। रसीद से जो वसूली होती है उसकी एंट्री की जाती है, लेकिन ऐसी कई शिकायतें सामने आई है कि एंट्री सही से नहीं की गई है, जिससे कई जुर्मानों की गलत जानकारी और कई जुर्माने के रिकॉर्ड मिसिंग है। कई बार तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि कई महीनों तक कई रसीद के बारे में परिवहन विभाग को कोई जानकारी ही नहीं दी गई है, जिससे इस बात का कभी कुछ पता ही नहीं चलता कि विभाग की तरफ से दी गई रसीद का कितना उपयोग हुआ है और कितने राजस्व की वसूली हुई है। यही कारण है कि अब ट्रैफिक पुलिस को दिए जा रहे डिवाइस की मदद से इन सभी गड़बड़ियों को कम किया जा सकेगा। इसको लेकर जल्द ही 1500, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जवानों को हैंडहेल्ड डिवाइस देने की योजना पर काम हो रहा है, जिसके जरिए फाइन की वसूली की जानी है। बिहार के 12 ट्रैफिक थानों के तहत काम करने वाले कर्मियों को 350 डिवाइस पहले ही दिया जा चुका है। अब बाकी 1531 कर्मियों को ये डिवाइस दी जाएगी। इसके मदद से अब हर महीने ये आंकड़ा भी परिवहन विभाग के पास उपलब्ध होगा कि कितने लोगों ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है और कितने लोगों ने जुर्माना दिया है और कितनी वसूली हुई है। जानकारों की माने तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और ट्रैफिक पुलिस की मनमानी पर रोक भी लग सकेगी, क्योंकि जब पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा तो पब्लिक और ट्रैफिक पुलिस के बीच झड़प की शिकायतें भी कम हो पाएंगी। आपको बता दें कि बिहार में परिवहन विभाग सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में शामिल है, जिसके बाद अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि परिवहन विभाग के इस खास पहल से आने वाले समय में लोग और ट्रैफिक पुलिस के बीच में एक समन्वय बन सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।